ये मनीष सिसोदिया एक सुबेद को तो बच्चे को हाथ में किताब देते हैं, शाम को बच्चे को हाथ में शराब के गिलास देते हैं। तो देखो अन्ना जी को भी धोखा दे दिया, रो रहे हैं बेचारे, कहाँ से इसको मैंने अपने पार्टी में रख लिया। और दिल्ली का शिक्षा मंत्री एक ऐसा शिक्षा मंत्री है जो शराब भी बेचता है और शिक्षा भी बेचता है। ईडी उसके घर क्यों नहीं जाता जिसके घर 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? सही बात है। सिसोदिया के घर ही क्यों जा रहा है? नागालैंड मेघालय तभी बीजेपी जीत रहा है उसी। अरे भैया उसी के मुख्यमंत्री को जिसके ऊपर सीबीआई की जांच करवाया है, ईडी की जांच करवाई मोदी जी, आज मोदी जी में मिल गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अगर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो केजरीवाल जाके अपने बच्चों को पढ़वाए। स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अब मनीष सिसोदिया गया उसको वो मसाज करेगा, और फिर सत्यनारायण जैन इसको मनीष सिसोदिया का मसाज करेंगे। ये दोनों मिलके 2025 में केजरीवाल की कुर्सी साफ कर। एक एम्प्लॉय को निकाला, अडानी की बुराई कर रहे हो, उद्योगपति की बुराई कर रहे हो, उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। भाई साहब आप जेल भेजो कुछ भाई आएगा वही केजरीवाल। आप मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात? दारू पीने वालों के हाथ से ना पौवा चला गया, इसलिए उनको दिक्कत है। दिल्ली सही है, जिस तरीके से सिसोदिया जी गिरफ्तार किए गए, क्या आपके हिसाब से क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही किया भाई साहब, बिल्कुल सही किया जी। अगला नंबर किसका हो सकता है? केजरीवाल का हो सकता है जी। लेकिन जिस तरीके से सिसोदिया जी ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लोग उनको नंबर दे रहे हैं कि विदेशों तक उनकी चर्चा है, उस पर भी कुछ उससे ज्यादा तो घोटाला उन्होंने किया है। क्या घोटाला किया? सारा घोटाला, तभी तो अंदर है वो, तभी तो अंदर है वो। और घोटाला नहीं हो तो अंदर क्यों? आप ही लोगों ने वोट दे देकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर भी तो बनाया है। कुछ गलतियां हो जाता है ना भाई साहब, गलती हो गई, गलती हुई है, अब आगे से नहीं होगी, बिल्कुल भी आगे से नहीं होंगे। महा झूठा आदमी वैसे केजरीवाल, मैं बता रहा हूँ, अगर केजरीवाल के अंदर दिल्ली पुलिस होता ना तो आप यहाँ खड़े भी नहीं होते। पंजाब के अंदर अमृतसर में क्या हाल हुआ आप देखे, जीता जाता सबूत है। वही केजरीवाल बोला था मेरे को वहाँ के, ये मैं ऐसा, मैं पंजाब की जो हमारा सरकार बनेगा मैं ऐसा केमिकल बनाएंगे ना पूरा हिंदुस्तान में प्रदूषण ही खत्म कर देंगे। भाई साहब हम जमुना जी कैसा साफ करेंगे, सबको शाम सुबह वहाँ से डुमकी लगा के लाएंगे, पानी नहीं देंगे किसी के नल में, लेकिन डुमकी जला जरूर लगा के लाएंगे जमुना जी से। अब खुद भी नहीं नहाने जा रहा जमुना जी, तो ये पूछ लो भाई साहब जमुना जी कब साफ करवा रहे? केजरीवाल इनको अच्छा लग रहा है तो भाई एक ये मनीष सिसोदिया एक सुबेद को तो बच्चे को हाथ में किताब देते हैं, शाम को बच्चे को हाथ में शराब के गिलास देते हैं। अब कारण मंत्री शिक्षा मंत्री थोड़े चोर मंत्री हो, स्वतंत्र स्कूल है, इधर स्कूल है, बीच में दारू के दो दो ठीके हैं, एक के साथ में एक फ्री है। लेकिन कोई भी कहते हैं कि हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है हमारी, हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। अभी धोखा दिए हैं भाई साहब, ये भी तो देखो अन्ना जी को भी धोखा दे दिया, रो रहे हैं बेचारे, कहाँ से इसको मैंने अपने पार्टी में रख लिया। आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो लालू का पार्टी देख लो बिहार में, चाहे यूपी में समाजवादी देख लो, सबने अपने माफियाएं पाले हैं या फिर घोटाला किया है, भ्रष्टाचारी किया है। और दिल्ली का शिक्षा मंत्री एक ऐसा शिक्षा मंत्री है जो शराब भी बेचता है और शिक्षा भी बेचता है, समझ गए? वो शिक्षा बेचता है और साथ साथ वो जो शराब भी बेचता है, कहता है पहले तुम पढ़ो और फिर शराब पियो, ठीक है? तो उसको हम क्या बोले भाई, वो घोटाले में ही फंसा है ना। उन्होंने तो बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए शिक्षा के रूप, शिक्षा के क्षेत्र में, वो विदेशों तक। देखिए अगर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो केजरीवाल जाके अपने बच्चों को पढ़वाए सबसे पहले, और उनके जो दो बच्चे जो IIT कर रखा है ना, उनको अपने दिल्ली में किसी IIT का कॉलेज बनवाते, वहाँ पे दाखिला कराते, बाहर में क्यों भेजा? वोट लेने का एक तरीका है कि मतलब प्रोपोगंडा फैलाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ, ऐसे मत बनाओ। सर बोल रहे हैं कि CBI और ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, सिर्फ पानी बिजली बोला ना फ्री है भाई, जो पानी नहीं आ रहा तो फ्री तो हो गई भाई साहब, पानी नहीं आ रहा पीने की, ये ना कूलर बस्ती गांधी मार्केट में चलो पानी नहीं आ रहा है। लेकिन वोट तो आप ही लोगों ने देखे, यहाँ आम आदमी पार्टी गद्दी पे मेयर बैठा दिया है। साहब मेरे बात सुनो, मैंने देखा भाई बीजेपी कांग्रेस आदमी वोट हो गया था, मैं देखा कोई थर्ड पार्टी बढ़िया आएगा, कोई अच्छा आदमी आएगा, कोई थर्ड पार्टी ऐसा है। ये कितना भी बोल रहे हैं पानी नहीं आता, अगर दिल्ली में केजरीवाल आएगा, क्या केजरीवाल आएगा, सुनिए दिल्ली में केजरीवाल आएगा, आप क्या आप ईडी से वहाँ जेल में डलवा रहे हो, फिर भी आप केजरी सामने आप हार नहीं सकते। जेल में डलवा दे आएगा तो केजरीवाल। सत्यनारायण सुनो, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, आप मनीष सिसोदिया गया उसको वो मसाज करेगा, और फिर सत्यनारायण जैन इसको मनीष सिसोदिया का मसाज करेंगे। ये दोनों मिलके 2025 में केजरीवाल की कुर्सी साफ करेंगे। भाई साहब की बात सही निकल रही है, क्योंकि दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का ही है। 15 साल हो गया MCD में बीजेपी को, क्या कर लिया? एकदम क्यों आए थे आपने इतने ईडी लो ये लो फिर क्या, फिर केजरीवाल क्यों आए, फिर सरकार क्यों क्या बन गई? कितना भी कर लो आएगा केजरीवाल। ईडी तेरे को दिक्कत है क्या? पूछो तेरे घर में गया ईडी? सुनो तेरे भाई साहब घर में गया।
दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि अगर बीजेपी का विधायक का बेटा पकड़ाता है तो उसको बेल मिल जाता है, एक कानून एक प्रधानमंत्री। ईडी उसके घर क्यों नहीं जाता जिसके घर 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? सिसोदिया के घर ही क्यों जा रहा है? रीजन ही यही है। आपका कहना है सिसोदिया के घर ही क्यों नहीं जा रहा है? बीजेपी के नेता इतने भी भ्रष्ट हैं भाई साहब। मेरी बात सुनो, 1990 में लालू यादव को छापा मारी हुआ था चारा घोटाला के ऊपर, हुआ था नहीं हुआ था? चारा मिला इनके पास सारे नहीं, चारा मिला था क्या 1990? आज है 2023, इस बीच कहाँ गई? बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल लूटा, 70 साल लूटा। अरे 70 साल में विपक्ष में कौन था? कांग्रेस बीजेपी थी ना, तो लूटने क्यों दिया भैया? अगर अभी यहाँ है इनके जेब से हम मोबाइल निकाल रहे हैं, अगर आप सब लोग देख रहे हैं और बाद में जब हम चले जाए, अरे वो मोबाइल लेके चला गया, तो जितना दोषी मैं हूँ उतना दोषी मोबाइल निकालते समय देखने वाले भी व्यक्ति हैं। लेकिन सिसोदिया साहब पर आपका क्या कहना है? ये सिसोदिया गलत है, लेकिन मेरा कहना है सिसोदिया गलत है, ठीक है जेल में कानून फैसला करेगी, सही है। लेकिन क्या अगर आपके पार्टी में कोई चला जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है? दोहरी नीति नहीं चलेगी। कानून है सबके लिए है, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन इस बात पे मोदी जी चुप क्यों हो जाते हैं? अगर बीजेपी का कोई है तो चुप हो गए। इस देश की दुर्गति सबसे बड़ी ये है कि हम पार्टी के होकर रह जाते हैं, हम पार्टी के ना होकर देश के हो जाएं तो इस देश की तरक्की हो जाएगी। बब्बू आने वाला नहीं हो गया, ब्रिटेन गया। सुनिए भारत जोड़ो यात्रा पे चमेता है भाई साहब, त्रिपुरा चुनाव से लेके नागालैंड मेघालय तभी बीजेपी जीत रहा है। उसी अरे भैया उसी के मुख्यमंत्री को जिसके ऊपर सीबीआई की जांच करवाया है, ईडी की जांच करवाई मोदी जी, आज मोदी जी में मिल गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी मिल गए, विपक्ष के बोलो ना, विपक्ष के जेल में डालो ना, आप FIR करो उसके ऊपर। आज सिसोदिया जी बीजेपी में चले जाए, कोई शराब घोटाला नहीं, बिल्कुल स्वच्छ सिसोदिया जी, स्वच्छ स्वच्छ। आप भी देश के नागरिक, आप FIR करो, क्यों नहीं कर रहे उसको? आप भी देश के नागरिक हो, FIR करो। मैं कह रहा हूँ FIR करो। अडानी के ऊपर मोदी जी ने फ्री कर दिया। इनका मन काला, इनका दिल काला, और सबसे बड़े ये लूट वाले जो इनका नहीं, आप एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को जांच बिठाई ना, मोदी जी नहीं बिठाए। जब सब लोग जाके सुप्रीम कोर्ट गए तब उस अडानी जी पे, क्या अडानी ही है भारत का दूसरा, बल्कि विश्व का दूसरा, और ऐसी स्थिति हुई 28वें पे चले गए, ऐसा क्या कर दिया भैया? चढ़ा तब भी इनको दर्द है, उतरा तब भी इनको दर्द है। भाई बिजनेसमैन आदमी है, 5 लाख आदमी को रोजगार दे रखा है उसने, आपने कोर्ट ने उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, अगर प्रॉब्लम होगा समस्या होगा लो भाई प्रधानमंत्री। कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जरा से इनके शेयर गिरते एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। ये अडानी ने कितना घाटा हुआ था, अभी इसके शेयर डाउन हुए थे, एक एम्प्लॉय को निकाला। अडानी की बुराई कर रहे हो, उद्योगपति की बुराई कर रहे हो, उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। कितने लाखों लोगों को मिला हुआ है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। 10,000 रुपए मांगने के लिए बैंक में 10,000 रुपए नहीं मिलता। पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो जनादेश देती है, भारी बहुमत देती है, भारी बहुमत आपको नहीं मिलेगी ना ऐसे भैया। हम भी देंगे 50 लाख नौकरी देंगे, 50 करोड़। एक सेकंड सुनो, ये क्या लिखा है सामने? जनता के पैसे ले गया हो, क्या बात कर रहे हो आप? पढ़े लिखे हो आप, जनता के जनता सर गरीब आदमी के पैसे लेके लूट के चला गया, वो जनता के पैसे लेके चले गए, गरीब बाल का बच्चों के जो बच्चे को ले वहाँ जाकर रो रहे हैं, सारे रो रहे भाई साहब। यहाँ पे दिल्ली में भ्रष्टाचार का है, एक पे एक फ्री बढ़ रही थी, आज मनीष सिसोदिया जी जेल में, उस पर भाई साहब आप जेल भेजो कुछ भाई आएगा वही केजरीवाल। आप मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात? दारू पीने वालों के हाथ से ना पौवा चला गया, इसलिए उनको दिक्कत है।